हमको समझना है कि ब्रूनर्स के सिद्धांत और पियाजे के सिद्धांत में मूलभूत क्या अंतर है। क्या ब्रूनर्स ने पियाजे के सिद्धांत से अलग करने का प्रयास किया? तो जो मूलभूत अंतर है किसमें? पियाजे और ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। पियाजे और ब्रूनर्स के संज्ञानात्मक विकास में अंतर, क्या अंतर है हमको समझना है। ब्रूनर्स ने पियाजे की भांति संज्ञानात्मक विकास को क्रमिक माना, यह समानता हुई। पियाजे और ब्रूनर्स दोनों ने संज्ञानात्मक विकास को क्रमिक माना। पहला, दोनों ने विकास को क्रमिक माना, ये तो समानता हुई। इसके बाद ब्रूनर्स ने सिंबल और इमेज को प्रमुख माना। ब्रूनर्स ने सिंबल और इमेज को प्रमुख माना, ये ब्रूनर्स की विशेषता हुई। ब्रूनर्स ने भाषा को प्रमुख माना, ये ब्रूनर्स ने भाषा को प्रमुखता दी। और पियाजे ने क्या किया? पियाजे ने अपने सिद्धांत में बालक के चिंतन में परिपक्वता और अनुभूतियों को अधिक महत्वपूर्ण माना। और पियाजे ने क्या माना? परिपक्वता और बालक की अनुभूतियां। परिपक्वता और बालक के चिंतन में उसकी अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना। ब्रूनर्स के सिद्धांत जो तीन अवस्थाएं हैं, वह पियाजे के तीन अवस्थाओं के समान है। पहली अवस्था सांकेतिक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था सांकेत दृश्य प्रतिमा विधि प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और तीसरी अवस्था सांकेतिक विधि या चिन्ह आधारित अवस्था। अब आपको समझना है कि पियाजे जो साथी हमारा पिछला वीडियो नहीं देख पाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो पियाजे के सिद्धांत को अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उनकी कुल चार अवस्थाएं थी, जिसमें पहली संवेदी पेशी अवस्था थी। आप जानते हैं यह जन्म से 2 वर्ष की थी। दूसरी जो अवस्था थी उसको ब्रूनर्स के दृश्य प्रतिमा विधि प्रतिबिंबात्मक अवस्था के समान माना, वो अवस्था थी।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक। ध्यान देना है ये चार अवस्था पियाजे ने बताया था, जिसमें संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष की थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष थी और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष थी। अब आप ये तुलना कर सकते हैं, संवेदी पेशी अवस्था ब्रूनर्स के संक्रियतात्मक अवस्था निर्माण विधि क्रियात्मक अवस्था के समान थी, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष से 18 माह तक चलती है लगभग। दूसरी अवस्था दृश्य प्रतिमा विधि की अवस्था है, जो 2 वर्ष लेकर 7 वर्ष तक चलती है। 2 वर्ष में उसमें प्रधानता होती है, संप्रत्ययों का निर्माण होता है। और सांकेतिक विधि अवस्था सिंबोलिक मोड, यह 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है, जो पियाजे के तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तरह ही होता है। तो पियाजे और ब्रूनर्स के सिद्धांतों में ये समानता और अंतर है। ब्रूनर्स कहता है कि जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया जाए उसका व्यक्ति और समाज से दोनों से संबंध होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इनके सिद्धांत का जो अनुप्रयोग है वो यही है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसका संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से हो, और जो कुछ पाठ्यक्रम में सीखने हेतु रखा जाए उसमें बालक तत्पर रहे, विषय वस्तु ऐसी हो जिसको सरलता से बालक सीख सके। यह सिद्धांत सीखने के पुनर्बलन, पुरस्कार और दंड पर बल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है जो ब्रूनर का यह सिद्धांत है, वह पुनर्बलन पुरस्कार और दंड पर आधारित है। ये ध्यान देना है, प्रश्न आ जाता है पुनर्बलन पुरस्कार और दंड पर बल देता है, पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु को रखने पर बल देता है जिसको बालक सरलता से सीख सके, ऐसे पाठ्यक्रम पर बल देता है जो व्यक्ति और समाज दोनों से संबंधित हो। पियाजे अपने सिद्धांत में परिपक्वता और अनुभूतियों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है अपने चिंतन में, जबकि ब्रूनर्स कहता है कि सिद्धांतों में भाषा बालकों के विकास में, मानसिक विकास में भाषा प्रमुख है, सिंबल प्रमुख है और इमेज प्रमुख है। वह ब्रूनर्स पियाजे के सिद्धांत की भांति क्रमिक संज्ञानात्मक विकास पर बल देता है। तो पिछला वीडियो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधित था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दिया गया है, आप फिर से उसको देखकर समझ सकते हैं, ब्रूनर्स के सिद्धांत से पियाजे के सिद्धांत की तुलना कर सकते हैं। आप सब इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, समझ सक रहे हैं। हमारे शिक्षा दृष्टि चैनल को आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक नए वीडियो के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद।